प्रदेश में लगातार महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए प्रदेश स्तर पर बेखौफ आवाज का आगाज कैंपेन चलाया जा रहा है। अब यह अभियान जिला स्तर पर प्रभावी कदम के रूप में सामने आने लगा है। जिला कलेक्टर आनंदी व पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने इस अभियान के लिए सभी विभागों को एक साथ आगे आकर जन जागरूकता चलाकर इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया है, ताकि महिलाओं व बच्चियों के साथ होने वाले अत्याचारों को कम किया जा सके। इसके लिए आम आदमी को स्वयं भी जागरूक होने की आवश्यकता है। आज अन्वेषण भवन में इस संदर्भ में सभी अधिकारियों स्वयंसेवी संगठनों से चर्चा की गई। जिला कलेक्टर आनंदी ने कहा कि अभियान बेखौफ आवाज को प्रभावी रूप से किस तरह जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, इस पर चर्चा की गई। यह अभियान एक माह तक चलाया जाएगा। देखिए, मैं आपको अगर सोशल मीडिया एंगेजमेंट में बताऊं तो अगर पुलिस के पेज पर जब हमने ज्वाइन किया था तो 2500 के आसपास फॉलोअर्स थे, लेकिन आज 11 तारीख वाला हमारा जो वीडियो है उसको लगभग 1.5 लाख लोगों ने अभी तक देखा है। तो डेफिनेटली एंगेज हम लोगों से करता है, लेकिन हमारा मुद्दा है कनेक्ट का। हम लोगों से कनेक्ट करके एकदम से इसका एक इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि एक सामाजिक प्रॉब्लम है, सामाजिक स्तर की प्रॉब्लम है, सोच की प्रॉब्लम है। सोच को बदलने के लिए बहुत नियमित रूप से बार बार डेंट देकर एक लॉन्ग समय तक अगर हम उसके ऊपर बात करेंगे तभी होगा। हाँ, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हुआ है, लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया है, तो वहाँ तक के लिए हमारा एक जो प्रयास है वो ज़रूर सफल हुआ है कि लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया है, लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे गाँव में प्रॉब्लम है, मेरे शहर में प्रॉब्लम है। जैसा कि आपको पता है, राज्य सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध जो हो रही क्राइम्स हैं, जो वायलेंस है, उसको एक सामाजिक रूप से देखते हुए कि हमें समाज में भी इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस करना चाहिए कि कैसे हम इसे रोकें, इसे बचें, हम अपनी नज़रिए को बदलें, उसके लिए एक आवाज़ नाम का प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। वो एक महीने भर के लिए उसी कड़ी में या उसी तर्ज पर उसी को आगे ले जाने के लिए, उसी प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए आज हमने एक मीटिंग रखी थी। हम ये चाहते हैं कि ऑलरेडी सरकार में अलग अलग डिपार्टमेंट्स इस काम को करते हैं, कहीं महिला अधिकारिता विभाग करता है, कहीं चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज करता है, कभी राजीविका की ग्रुप भी इस पर काम करती हैं, स्वास्थ्य विभाग भी करता है, लेकिन हर आदमी अपना अलग अलग दिशा में अलग अलग काम करता है। तो हमने आज ये मीटिंग इस तरह से प्लानिंग के लिए रखी है, चाहे वो नेहरू युवा केंद्र के बच्चे हों, चाहे कॉलेजेस हों, चाहे ये सारी डिपार्टमेंट्स हों जो मैंने आपको भी बताई है, हम सबका एक प्लान हो, एक टारगेट हो और एक मैसेज हो, और हम एक साथ एकजुट होकर इस पर काम करें तो हमारा उसका इफेक्ट और अच्छा होगा। तो उसी के लिए आज मीटिंग।